लीग बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए भी मुतहरिक। नून लीगी रहनुमा और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की राबता कमेटी का इजलास। नून लीग ने वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। नून लीगी एम पी एस ने तजवीज़ दी कि पार्टी के नंबर्स काफी हैं, बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई जा सकती है। इजलास में इसहाकदार अया सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इजलास। अलीम खान ने नून लीग की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तहरीक इंसाफ को मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए। अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा जब भी आयन और जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया। अबानी पीटीआई को झूठे केसेस में नाहक कैद किया गया। फैसला को अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी की गई। और ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी, जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त के दौरान रिमार्क्स। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए, इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा, वहाँ भी नहीं चल रहा। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल करने का हुक्म।